हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ रोहित। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को लेके। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आरबीआई कैसे बना, क्या ज़रूरत पड़ी आरबीआई को बनाने के लिए, आरबीआई के फंक्शंस के इंपॉर्टेंस यहाँ पे वर्क करते हैं। तो डिस्कस करते हैं आरबीआई। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम, सेबी ग्रेड ए एंड नबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभिपीडिया आपके लिए लेके आया है एक कम्बाइंड स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसके अंदर आप ले सकते हैं अप टू 90% तक का डिस्काउंट अगर आप अभिपीडिया कोर्सेज़ को परचेज़ करना चाहते हैं। तो सेबी ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम और नबार्ड ग्रेड ए, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभिपीडिया की तरफ से आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके लिए अभिपीडिया आपके लिए लेके आया है कम्बाइंड स्कॉलरशिप टेस्ट, 10 मई 2021 को कंडक्ट किया जाएगा। अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 घंटे का रहेगा। जो सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये 3 एग्ज़ाम पूछे जाएंगे। टॉप 10 स्टूडेंट्स को मिलेगा 90% तक का 90% का फ्लैट डिस्काउंट ऑन द अभिपीडिया। आफ्टर दैट द स्टूडेंट्स जिनके 75% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे उनको मिलेगा 75% का डिस्काउंट, एंड जो स्टूडेंट 50% स्कोर करेगा उसको मिलेगा 50% डिस्काउंट। तो अभी खुद को रजिस्टर कर लीजिए। चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आरबीआई और आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, चलिए देखिए आरबीआई की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक किताब की बात आती है, एक किताब आपके सामने, क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस किताब के लेखक कौन है, यहाँ से पूछा जा रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में आरबीआई के बनने से पहले जो बैंक काम करते थे वो बैंक अपने लेवल पे सेंट्रल बैंक का काम भी करते थे, कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक का काम करते थे। जो पैसा आता था वो गवर्नमेंट की तरफ से आता था और गवर्नमेंट इन बैंक्स को देती थी और ये बैंक्स पैसा सर्कुलेशन में लेके आते थे। बट एक किताब लिखी गई, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये किताब को लिखा किसने, ये किताब लिखी थी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने। भीमराव रामजी अम्बेडकर साहब ने एक किताब लिखी, डैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये किस तरह से भारतीय मार्केट में, भारतीय जो हमारा देश है इसमें किस तरह से करेंसी को लेके जो प्रॉब्लम्स आ रही है, रुपी को लेके जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी कमांड है एंड गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से बैंक्स को पैसा देती है और देश किस तरह से वर्क कर रहा है। तो रुपी को लेके इतना सर्कुलेशन नहीं हो पा सकता क्योंकि बैंक जो सारे थे वो प्राइवेट थे और प्राइवेट बैंक्स को सरकार पैसा दे रही है और प्राइवेट बैंक्स आगे सर्कुलेशन में पैसा लेके आ रहे हैं। तो इसी के चलते हुए यहाँ पर इन्होंने एक किताब लिखी थी बी आर अम्बेडकर साहब ने, करेंसी के ऊपर, रुपी के ऊपर। इस किताब को देखने के बाद, इस किताब के बाद यहाँ पर इंडिया के अंदर कुछ वर्किंग स्टार्ट हो गई कि किस तरह से यहाँ पर रुपी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो इंडियन करेंसी के ऊपर, इस रुपी के ऊपर एक कमीशन बिठाया गया, डैट इज़ जिसको हम बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन या फिर मैं बोल सकता हूँ रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन या फिर हिल्टन यंग कमीशन यहाँ पर इंडियन करेंसी के ऊपर बिठाया गया। और इस कमीशन ने यहाँ पर रेकमेंड करा एक बैंक, डैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन के सामने, डैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बनाया गया, किस वर्ष में आरबीआई की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष में बनाया गया था, किस वर्ष में इसको बनाया गया। तो चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई को बनाने के लिए हमने पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास करवाया, डेट इज़ आरबीआई एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। देखिए जो भी बॉडी किसी एक्ट के तहत बनती है उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, तो आरबीआई इज़ अ स्टैट्यूटरी बैंक। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ विद द इनिशियल कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़ एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन ऑन द इंडियन करेंसी आरबीआई को बनाया गया था, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आरबीआई के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। बट अभी आरबीआई देखिए इनिशियल 5 करोड़ की इनिशियल कैपिटल के साथ बनाया, तो क्या आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था, आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था।
जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था, दैट इज टाटाज एंड सम अदर बिजनेसमैन। चलिए अगला क्वेश्चन, आरबीआई बनाया गया तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया था? आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे बनाया गया था? क्या वो नई दिल्ली में था, मुंबई में था, कोलकाता में था, बेंगलुरु में था या फिर जयपुर में था? तो देखिए, आरबीआई की जब एस्टेब्लिशमेंट हुई तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो था कलकत्ता, कोलकाता, कोलकाता में आरबीआई को बनाया गया था। बट बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में, बाद में इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। तो कहाँ था आरबीआई का हेडक्वार्टर? कोलकाता में। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपको इसी से रिलेटेड आता है कि इन विच ईयर द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शिफ्टेड टू मुंबई? किस वर्ष में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता से मुंबई में शिफ्ट किया गया? कोलकाता से मुंबई में शिफ्ट किया गया किस वर्ष में, किस वर्ष में उसको शिफ्ट किया गया था? तो आपको ये बताना है कि किस वर्ष में इसको शिफ्ट किया गया था। तो इसको शिफ्ट किया गया था बच्चों 1937 में, 1937 में, 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था 1937। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, 35। चलिए देखिए, आरबीआई के अंदर आरबीआई के लोकल बोर्ड्स काम करते हैं, ठीक है? देर आर फोर लोकल बोर्ड ऑफिसेस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के हेडक्वार्टर के अलावा आरबीआई के चार लोकल बोर्ड के ऑफिस हैं। जैसे मैंने अभी एक तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कलकत्ता में आरबीआई की ब्रांच थी, आरबीआई का हेडक्वार्टर था, उसको फिर लोकल बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो आरबीआई के चार लोकल बोर्ड ऑफिसेज हैं इंडिया के अंदर। तो ये कहाँ कहाँ पे हैं, ये कहाँ कहाँ पे हैं, ये आपको बताना है। आरबीआई के चार लोकल बोर्ड के ऑफिसेज कहाँ कहाँ पे है? क्या ये मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली में है? मुंबई, जयपुर, चेन्नई, मैसूर में है? मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली में है? मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर और नई दिल्ली में है? कहाँ है आरबीआई के चार बोर्ड के ऑफिसेज? तो बच्चों ये हैं मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और नई दिल्ली। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई एंड नई दिल्ली, ये हैं आरबीआई के चार लोकल बोर्ड के ऑफिसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। व्हेन डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? देखिए, नेशनलाइजेशन का मतलब होता है सरकार ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया, आरबीआई सरकारी बैंक बन गया, सरकारी बैंक। तो कब ऐसा हुआ? तो देखिए, बिफोर द इंडिपेंडेंस 1947 से पहले तो इंडिया में कोई भी बैंक सरकारी था ही नहीं, सारे के सारे प्राइवेट थे। तो भारत आज़ाद हुआ उसके बाद 1949 में जो पहला बैंक नेशनलाइज किया गया था वो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया और आरबीआई बन गया 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक बन गया आरबीआई। तो 1949 में, दैट इज़ 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन यहाँ पे हो गया था। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आरबीआई के लोगों की तरफ। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ द करंट लोगो ऑफ आरबीआई, ये आरबीआई का प्रेजेंट लोगो है, ठीक है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीचे इंग्लिश में लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बीच में एक एनिमल और पीछे एक ट्री, ठीक है? बट जब आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, दैट इज़ एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जब आरबीआई का वो बनाया गया था, तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डबल मोहर था वो क्या था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे? तो डेट इज़ वो ये था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था, ठीक है? पीछे एक ट्री, आगे एक एनिमल और टू मोहर्स यहाँ पे लिखा होता था, यानी कि ये आरबीआई के बनने से पहले की बात कर सकता हूँ मैं, ठीक है? ब्रिटिश मोहर, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोहर्स होती थी। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों को देखिएगा और आगे आपके लिए आएंगे क्वेश्चंस। चलिए अब क्वेश्चन आता है आपके लिए, द लोगो ऑफ आरबीआई कंसिस्ट ऑफ विच ट्री? अभी आपने आरबीआई का लोगो देखा था, ये रहा, इसके अंदर ये ट्री जो है, ये पेड़ जो है, ये कौन सा पेड़ है? क्या ये पीपल का है, बनियन का है, अर्जुन पेड़, अर्जुन का पेड़ वृक्ष है, पाम ट्री है, दैट इज ताड़ का वृक्ष है, या फिर अशोक ट्री है? कौन सा पेड़ है ये? क्योंकि पेपर में कभी कभी को लेके ऐसे आ जाते हैं, दिस इज़ द स्टैटिक पार्ट आई कैन से, तो कौन सा ट्री है ये? एंड दिस इज़ द पाम ट्री, ताड़ का वृक्ष है ये, पाम ट्री, पाम ट्री। चलिए
अगला क्वेश्चन आता है कि आरबीआई के लोगों में आपने एक एनिमल देखा, एक एनिमल था, ये एनिमल कौन सा है, ये एनिमल कौन सा है। मैं आपको लोगो फिर से दिखा देता हूँ ताकि आप आंसर इजीली कर पाओ। तो देखिए कौन सा एनिमल है, ये प्रेजेंट लोगो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का डबल मोहर था। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डबल मोहर था उसमें जो लोगो था, उसमें जो एनिमल था उसमें क्या है, लॉयन दिख रहा है आपको, लॉयन। बट आरबीआई का जो लोगो है इसमें लॉयन नहीं है, ये है टाइगर, एट इज रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर टाइगर। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर किस स्टेट में पाए जाते हैं, दैट इज मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आरबीआई सर्व्ड एज अ सेंट्रल बैंक फॉर पाकिस्तान अंटिल विच ईयर विच मंथ। देखिए 15th of August 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो भारत, पाकिस्तान जो था वो भारत का ही हिस्सा था, तो इंडिया में एक ही सेंट्रल बैंक काम कर रहा था, दैट इज़ आरबीआई। बट अब भारत से एक देश निकाल कर, इंडिया से एक देश निकाल कर पार्टीशन हो गया और दूसरा देश बन गया भारत और पाकिस्तान। बट अब पाकिस्तान अभी बनाया जा रहा है, ठीक है, तो अभी यहाँ पर इस देश की करेंसी चैनलाइजेशन के लिए कोई सेंट्रल बैंक तो है ही नहीं, कोई भी सेंट्रल बैंक यहाँ पे है ही नहीं। तो आरबीआई ने कुछ टाइम तक, आरबीआई ने कुछ टाइम तक पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के तौर पे भी काम किया, इंडिया के सेंट्रल बैंक के तौर पे भी और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के तौर पे भी काम किया। तो कब तक ये वर्क किया, दैट इज़ टिल द जून 1948, टिल द जून 1948 आरबीआई सर्व्ड एज द सेंट्रल बैंक फॉर पाकिस्तान ऑल्सो, जून 1948। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने बर्मा के सेंट्रल बैंक के तौर पे कब तक काम किया। देखिए बर्मा डेट इज़ म्यांमार, तो म्यांमार के बैंक के तौर पे भी आरबीआई ने काम किया, बट कब तक आरबीआई ने काम किया, तो दैट इज़ अप्रैल 1947, अप्रैल 1947 तक आरबीआई ने काम किया है बर्मा के सेंट्रल बैंक के तौर पे भी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे, आरबीआई का पहला गवर्नर, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए आरबीआई में होते हैं डायरेक्टर, आरबीआई में होते हैं डायरेक्टर। अब डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ होते हैं ऑफिशियल, ठीक है, देर आर 16 डायरेक्टर्स बेसिकली इन द आरबीआई, तो इसमें कुछ ऑफिशियल होते हैं कुछ अनऑफिशियल होते हैं, ठीक है। ऑफिशियल की अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है गवर्नर, उसके बाद चार होते हैं डेप्टी गवर्नर, नॉट मोर देन फोर, ठीक है, चार डेप्टी गवर्नर, और बाकी हो जाते हैं अनऑफिशियल में कुछ डायरेक्टर्स, चार तो लोकल बोर्ड के हो गए और बाकी आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सॉरी, टोटल 21 मेंबर का स्टाफ होता है, टोटल 21 मेंबर का स्टाफ होता है, 16 जो हैं ये होते हैं अनऑफिशियल और पांच होते हैं ऑफिशियल। टोटल 21 मेंबर का स्टाफ रहता है, टोटल 21 मेंबर का स्टाफ रहता है, 16 अनऑफिशियल होते हैं, 16 में से चार लोकल बोर्ड के होते हैं, ठीक है, और बाकी आरबीआई के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और कुछ गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ऑफिशियल वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ऑफिशियल वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया गवर्नर, तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, जैसे मैंने बताया 1935 में आरबीआई बना था, तो 1935 में जब आरबीआई बना तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के पहले गवर्नर, क्योंकि आरबीआई ब्रिटिश टाइम पर बना था, ब्रिटिश इंडिया में बना था, तो आरबीआई के पहले गवर्नर ब्रिटिशर ही थे, इनका नाम था सर ऑस्बर्न स्मिथ, सर ऑस्बर्न स्मिथ, ये थे आरबीआई के पहले गवर्नर, सर ऑस्बर्न स्मिथ। सर ऑस्बर्न स्मिथ ने 2 साल काम किया, डेट इज 1935 to 1937, उसके बाद जेम्स टेलर अपॉइंट कर दिए गए थे, जेम्स टेलर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, यानी कि कौन भारतीय था जो आरबीआई का पहला गवर्नर बना, इंडियन पर्सन। तो देखिए ये थे सी डी देशमुख साहब, ये थे सी डी देशमुख, चिंतामणि डी देशमुख साहब, ये 1943 में, 1943 में यानी कि आज़ादी से पहले ही आरबीआई के गवर्नर नियुक्त कर दिए गए थे, 1943 से लेकर 1949 तक, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तब भी ये
आरबीआई के गवर्नर ही थे। तो सीडी देशमुख 1943 से लेकर 1949 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। 1949 में इनके बाद बने थे, यानी कि आज़ादी के टाइम पे और नेशनलाइजेशन के टाइम पे भी सीडी देशमुख ही थे। जब आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ तब भी सीडी देशमुख ही आरबीआई के गवर्नर थे। उसके बाद बने थे सर बेंगाल रामा बेनेगल रामा राव। ठीक है, 1949 से लेकर 1957 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे। आरबीआई के गवर्नर रहे। देखिए, आरबीआई के गवर्नर का पहले आरबीआई के गवर्नर को कभी 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता था, अब 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। आरबीआई के गवर्नर का कोई भी फिक्स्ड नहीं और यहाँ पर नहीं बताया जाता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, तो बेसिकली 3 साल के लिए अपॉइंट करती है। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आता है और पेपर में ऑप्शन ऐसे ही होते हैं 1, 2, 3, 4, तो आप 3 ईयर चूज़ कर सकते हैं, 3 ईयर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 3 साल चूज़ कर सकते हैं। तो सी डी देशमुख क्वेश्चन का आंसर था। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आता है, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। डेप्यूटी गवर्नर पूछा गया, डेप्यूटी गवर्नर, गवर्नर नहीं पूछा गया है, क्योंकि आरबीआई में आज तक कोई फीमेल गवर्नर रही ही नहीं है। कोई भी फीमेल गवर्नर आरबीआई में आज तक नहीं रही, तो बट आरबीआई में फीमेल डेप्यूटी गवर्नर रही है। तो पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? इनका नाम था के जे उदेशी। ये 2003 में, 2003 में इनको अपॉइंट किया गया था। 2003 में इनको नियुक्त किया गया था, 2003 में इनको अपॉइंट किया गया था आरबीआई के द्वारा, 2003 में। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा आरबीआई का गवर्नर है, इनमें से कौन सा आरबीआई का गवर्नर है जो कि देश का प्रधानमंत्री रहा, जो कि देश का प्रधानमंत्री भी रहा। तो देखिए, यहाँ पर हम 4 नाम तो ऐसे ही देख रहे हैं जो कि देश के प्रधानमंत्री रहे, बट क्या ये चारों में से कोई ऐसा है जो देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ आरबीआई का गवर्नर भी रहा? जी हाँ, बिल्कुल है। ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, और 1982 से लेके 1985 तक ये रहे थे आरबीआई के गवर्नर। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस आरबीआई गवर्नर का जो टेन्योर है वो सबसे कम रहा है, शॉर्टेस्ट? देखिए, रघुराम राजन तो अभी हमने देखा, ये 2013 से 2016, उर्जित पटेल 2016 में इनके बाद बने थे। सीडी देशमुख के बारे में आपने आपको मैंने बताया, 1943 से लेके 49 तक। बिमल जलान भी काफ़ी टाइम रहे। तो ये एक नाम आता है, अमिताभ घोष जी। अमिताभ घोष जी ये आरबीआई के गवर्नर रहे थे सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए, 15 से 20 दिन के लिए, क्योंकि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का टेन्योर ख़त्म हुआ तो इनको कुछ टाइम के लिए अपॉइंट किया गया था। हालांकि ये डेप्यूटी गवर्नर थे आरबीआई के, इनको कुछ टाइम के लिए कुर्सी पर बैठाया गया जब तक अगले गवर्नर, डेट इज़ मल्होत्रा साहब, आर एन मल्होत्रा जी। ठीक है, आर एन मल्होत्रा जी ये कुर्सी पर नहीं बैठे तक यहाँ पे, तब तक यहाँ पे अमिताभ घोष रहे थे क्या आरबीआई के गवर्नर। अमिताभ घोष एक लेखक भी हैं, वो अलग है, एक राइटर भी हैं, वो अलग है। ठीक है, तो अमिताभ घोष ये आरबीआई के गवर्नर, इंडियन बैंकर थे, फेमस, आईडीबीआई के हेड भी रह चुके हैं ये। चलिए, 1985 में आरबीआई के गवर्नर है अमिताभ घोष, 15 से 20 दिन के लिए। अगला, इनमें से किस आरबीआई गवर्नर का टेन्योर सबसे लंबा था, इनमें से किस आरबीआई गवर्नर का टेन्योर सबसे लंबा था? रघुराम राजन हमें पता है 13 से 16 थे। ठीक है, मनमोहन सिंह भी मैंने आपको बताया 82 से 85, 3 साल 3 साल। सी डी देशमुख रहे थे 43 से 49। बेनेगल रामा राव, ये मैंने आपको बताया अभी क्या, 1949 से लेके 1957 तक ये आरबीआई के गवर्नर थे, बेनेगल रामा राव। इनका टेन्योर एज अ आरबीआई गवर्नर सबसे लंबा रहा। तो उत्तर क्या हो जाता है हमारा? बेनेगल रामा राव। नेक्स्ट, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं, कितने नंबर वाले गवर्नर हैं? देखिए, शक्तिकांत दास आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर हैं, ये अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी आरबीआई के ये प्रेजेंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, शक्तिकांत दास जी। तो ये हैं आरबीआई के 25वें गवर्नर, 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई, डेट इज़ 1955।
मिस्टर शक्तिकांत दास। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे। इनमें से कौन आरबीआई का प्रेजेंट डेप्टी गवर्नर नहीं है? देखिए आरबीआई में चार डेप्टी गवर्नर होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, नॉट मोर देन फोर रहता है, नॉट मोर देन फोर यहाँ पे रहता है। तो इनमें से कौन आरबीआई का प्रेजेंट डेप्टी गवर्नर नहीं है? चार होते हैं अभी, प्रेजेंटली तीन ही हैं, ठीक है, एक सीट खाली चल रही है। तो इनमें से कौन कौन अभी काम कर रहे हैं? देखिए एमडी पात्रा जी अभी काम कर रहे हैं, माइकल देव पात्रा भी काम कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे पहले, इनको डेप्टी गवर्नर बनाया गया था। एम के जैन साहब भी अभी, महेश कुमार जैन जी, ठीक है, एम राजेश्वर राव जी अभी वर्क कर रहे हैं, मिस्टर विराल आचार्य, ये 2019 में रिज़ाइन था इन्होंने 2019 में। तो ये हमारा हो जाता है उत्तर, क्योंकि ये अभी प्रेजेंट डेप्टी गवर्नर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है? आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर क्या है? आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर क्या है? आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर, तो देखिए कंट्री का फाइनेंशियल ईयर तो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, बट आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर ये नहीं है। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है, 1 जुलाई से 30 जून। चलिए क्लास के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो अगला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है, इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है? आरबीआई का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो आरबीआई के फंक्शंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि आरबीआई इनमें से क्या काम नहीं करता है। तो देखिए सबसे पहला है तो एक्टिंग एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, जी हाँ आरबीआई ये काम करता है। आरबीआई इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इज़ द बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई सरकार के लिए ही बैंक का काम करता है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। कीपिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो जी हाँ सेंट्रल बैंक होते हुए जो भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है आरबीआई ही मेंटेन रखता है, आरबीआई के पास ही वो रिजर्व रहता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। उसके बाद आता है इशूंग ऑफ 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। तो देखिए आरबीआई का बेसिक मोटिव, जो आरबीआई हमने बात करी थी कि आरबीआई बनाया जाएगा, वो करेंसी पर्पज से ही बनाया गया था। 1938 में आरबीआई ने अपना पहला करेंसी नोट इशू किया था, 1938 में आरबीआई ने अपना पहला करेंसी नोट इशू किया था, 5 रुपये का नोट था। बट आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो क्या आरबीआई 1 रुपये और सिक्के भी इशू करता है? जी नहीं, 1 रुपये के नोट को छोड़कर और कॉइन्स को छोड़कर बाकी जितने भी करेंसी नोट अभी हैं उन सबको आरबीआई इशू करता है, ठीक है। 1 रुपये का नोट और सिक्के जो हैं ये फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं, इनको आरबीआई इशू नहीं करता। कॉइन्स के ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्टैंप लगती है और 1 रुपये के नोट के ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, जबकि बाकी सब करेंसी नोट्स के ऊपर, 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं इनके ऊपर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो इशूंग ऑफ 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स ये आरबीआई का फंक्शन नहीं है। तो ये हमारा उत्तर हो जाता है, ऑप्शन सी, दैट्स आवर आंसर। रेगुलेटिंग क्रेडिट इन द कंट्री, ये भी आरबीआई का फंक्शन है। मार्केट में मनी सप्लाई को मेंटेन करना, पैसा पहुंचाना और पैसे को निकालना, ये आरबीआई का ही काम है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के चलते हुए। चलिए आई होप आपको क्लियर होगा। हो गया, अगर आपको क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा या समझ में आया तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, क्वेश्चन इतने ही थे, बट मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि कंबाइंड स्कॉलरशिप टेस्ट अभी पीडिया के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। कब? 10 मई 2021 को इसको कंडक्ट किया जाएगा। सेबी ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड ग्रेड ए, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही खुद को रजिस्टर करिए और अभी पीडिया से लीजिए 90% तक का डिस्काउंट ऑन अभी पीडिया कोर्सेज़, 90% का डिस्काउंट ऑन अभिपीडिया कोर्सेज। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, रजिस्टर योर सेल्फ नाउ, अभी अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए और लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो चलिए इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।